Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान दायनी ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी कहते हैं, यानी कि दिशा परीक्षण। एक पार्ट इसका आ चुका है। जो नए व्यूवर्स हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें बेसिक मैंने समझाया हुआ है, तभी हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। अब इस वीडियो को अंत तक देखना। जो नए व्यूवर्स हैं, बाकी और टॉपिक भी आ चुके हैं तो वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि इसमें परछाई वाले क्वेश्चन आने वाले हैं अंत में। जो बच्चे मेरे से ये कहते हैं कि परछाई वाले क्वेश्चंस में हमेशा दिक्कत रहती है, नहीं हो पाते, तो एक बार वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपकी शिकायत ये दूर हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आपका समय वेस्ट ना करते हुए सीधे हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि खुद से बनाने का प्रयास करो। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने एक पार्ट देख लिया है तो वो हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर नहीं होते हैं तो वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को करता हूँ, ठीक है। तीन सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल ध्यान से पढ़ते हैं। ए और बी एक समान बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अब एक बिंदु है, एक कॉमन पॉइंट है कोई, ठीक है, ये हमने पॉइंट बना लिया। यहां से ए और बी जो हैं वो चलना प्रारंभ करते हैं। कहाँ चलना प्रारंभ करते हैं, आगे पढ़ते हैं सवाल। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। यहां से ए जा रहा है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। उत्तर दिशा हमारी यही तो होती है। मैंने कल भी बताया था, आप जब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन करें तो इन डायरेक्शंस को इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं पहले, ठीक है। 8 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और बाकी आपके नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। चलने का क्रम यही रहेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। इस चार्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये याद होने चाहिए माइंड में कि कौन सी दिशा कहाँ है। और ये कैसे हो पाएगा, ये हो पाएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, दिखाई दे रहा है सभी को, चलो ठीक। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ पे आया और 4 किलोमीटर उसे वो चल रहा है, लेकिन दाएं मुड़ने के बाद, और मैंने बताया जब भी मुड़ेगा वो 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा, कल वाली वीडियो में भी बताया था। तो जब दाएं मुड़ रहा है 4 किलोमीटर, दाया मतलब दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा बताया था कल, तो इसको हमने क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में इधर, तो ये आपका दायां मुड़ गया, इधर को गया और फिर ऐसे गया, ये हो गया 4 किलोमीटर, दिखाई दे रहा है सभी को, चलो ठीक। यहाँ पे ये आ चुका ए। अब ए के बारे में कोई बात उसने और कही क्या, नहीं, यहाँ पे आके वो रुक गया। यहाँ से फिर शुरू कर रहा है कि बी जो है, अब दोनों एक ही बिंदु से चल रहे थे, ए का काम तो खत्म हो गया, अब यहां से बी भी स्टार्ट करेगा। बी के लिए उसने क्या कहा, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो जी देखो, बी जो है पश्चिम दिशा हमारी इधर होती है, इधर की तरफ चल रहा है, कितना, 5 किलोमीटर, ये यहाँ पे बी इधर को। फिर उसके बाद और क्या कहा उसने, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ रहा है, दाया मतलब घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी किधर चलती है, इधर, तो दाया ये हो गया इसका बी का यहाँ पे, और कितना उसने कहा, 3 किलोमीटर। तो देखो ये दूरी जब 3 है तो ये इसी की सीध में तो आएगी, तो ये दूरी 3 होगी, तो ये दोनों पॉइंट एकदम सीध में बैठेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये दूरी 3 है और ये भी 3 है तो ये पॉइंट बिल्कुल सीध में आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया आपका, ठीक है। ए यहाँ पे आ चुका, बी यहाँ पे आ चुका, यहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था कॉमन पॉइंट से। पूछा क्या है सवाल में, पूछा ये है कि बताइए अब वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं। तो ये ए है और ये बी है, यहां से यहां तक ये दूरी 4 है, और ये वाली दूरी अगर हमें पता चल जाए तो हम आसानी से बता देंगे। अब ये कैसे पता चलेगी, तो देखो ये एक रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, ये दूरी 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। तो ए से बी के बीच की दूरी 5, ये 4, ये 5 और 4 कितना हो गया, 5 और 4 आपका हो गया 9 किलोमीटर। आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 2, समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अगर इसमें किसी की दिशा पूछ लेते
कि ए से बी किस दिशा में है, किससे पूछ रहा है, ए से, तो ए पे ग्राफ बना देते दिशाओं वाला, तो ए से बी किधर आ रहा है, पश्चिम, और बी से ए को पूछता तो ए जो है बी के पूर्व में आ रहा है, दिशाओं वाला ग्राफ उसी पॉइंट पे बना देंगे। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है जी, देखते हैं, अगले सवाल को पढ़ो जरा एक बार। अगले सवाल में ये कहा है कि मीनू अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जा रही है। मीनू जो है, मीनू का घर हमने मान लिया, ये है मीनू का घर, यहाँ से 100 मीटर जा रही है दक्षिण की ओर। दक्षिण दिशा हमारी यही तो होती है, देखो इस तरीके से, ये आपकी साउथ होती है, होती है दक्षिण दिशा में 100 मीटर जा रही है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलकर यहाँ पे आई, बायां मुड़ी। बायां मतलब कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में, बेसिक जरूरी है हर टॉपिक का, तो पहले उस वीडियो को देखना जरूरी है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले इससे पहली वाली वीडियो को देखें, ठीक है। तो बाएं मुड़ रही है, बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो इधर को ये कितना दूरी चल रही है बाएं मुड़ने के बाद भी, 100 मीटर चल रही, तो ये भी कितनी हो गई आपकी 100 मीटर, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद उसने ये कहा है, 100 मीटर चलकर अपने बहन के घर पहुंच गई। यहाँ पे जो है मीनू की सिस्टर का घर है, ठीक है। उसके बाद वहां से वे दोनों शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं। यहां से दोनों शॉपिंग के लिए बाजार जा रही हैं। जो वर्ड आया वो किसके लिए, बाजार के लिए। जो बाजार है वो मीनू, सॉरी, बाजार जाती हैं जो मीनू की बहन के घर से उत्तर पूर्व, तो मीनू की बहन का घर यही तो है, यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा हमारी, अगर यहाँ पे दिशाओं वाला ग्राफ बनाया जाए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो उत्तर पूर्व यही तो आएगी, यानी कि इस वाली दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, और मीनू के घर के पूर्व में है बाजार। जो है यहाँ पे एक बाजार है, इस तरीके से मार्केट बना दिया हमने, ठीक। वो मीनू की बहन के घर से तो उत्तर पूर्व में, और मीनू के घर के पूर्व में, तो मीनू का घर का पूर्व जो हो गया वो इस तरीके से, ये हो गया मीनू के घर का पूर्व, ये है आपका मार्केट, ठीक है। ठीक है जी, चित्र क्लियर हो गया। पहले मीनू दक्षिण की ओर 100 मीटर, बाएं मुड़ी 100 मीटर, अपने सिस्टर के यहाँ पहुँच गई, फिर वहाँ से दोनों शॉपिंग के लिए मार्केट जा रही हैं। मार्केट के बारे में एक बात कही गई है कि मार्केट जो है वो मीनू की सिस्टर के घर से उत्तर पूर्व में है और मीनू के घर के पूर्व में है, तो मीनू के घर का पूर्व ये हो गया और इसके घर का उत्तर पूर्व ये हो गया, ठीक है। पूछा क्या है, तो पूछा ये है, तो बताएं मीनू के घर से बाजार कितनी दूरी पर स्थित है, ये वाली दूरी हमें बतानी है। अब ये दूरी हम कैसे बता सकते हैं, देखो ध्यान से, इस पॉइंट से हमने इस वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, कोई दिक्कत। ये दूरी 100 है तो ये भी कितनी होगी, 100 ही होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर हमें ये दूरी पता चल जाए तो हमारा आंसर आया हो रखा है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये दूरी कितनी है जी 100, तो ये भी कितनी होगी 100 मीटर होगी। ये आपका क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुजी तो बन रहा है ये वाला। अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको मैं कह दूं ए, इसको कह दूं बी, इसको कह दूं सी, ये ए बी सी आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये वाली दूरी तो हमें 100 दी हुई है, ये अगर निकल जाए तो हमारा आंसर आया हुआ है, लेकिन ये भी नहीं दे रखी उसने, तो अब कैसे करेंगे। तो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए एक बात भी कही गई, मैथ्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो गणित का ज्ञान होना अवश्य जरूरी, बहुत जरूरी है, गणित का ज्ञान होना ही चाहिए। हमने पढ़ा भी है, एक थ्योरम है क्या, कि देखो ये वाला कोण कितना है आपका 90, अब ये दिशा कौन सी है उत्तर, और ये दिशा कौन सी है उत्तर पूर्व, तो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच का कोण कितना होता है, कल बताया था 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया 45, ये कितना है आपका 90, तो ये बचाओ तीसरा कोण जो बचा हुआ है, ये कितना आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 90 प्लस 45 दोनों को जोड़ो और 180 में से घटा दो, तो कितना आएगा 45 ही आएगा, क्लियर है जी। अब एक थ्योरम हमने पढ़ी थी हाई स्कूल में, नाइन्थ में पढ़ी होगी, कि जिन भुजा जिन कोणों के सामने की भुजाएं, जो अगर कोण आपके बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा का मान कितना है 100 मीटर, तो इस कोण के भुजा के सामने का भी जो मान होगा वो कितना होगा 100 मीटर, समझ में आया।
जो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये 45 कोण है, ये भी 45, तो इसके सामने की भुजा 100 मीटर, तो इसके सामने की भुजा भी कितनी होगी, 100 मीटर होगी। अब हमारी ये दूरी निकल गई, यही हमें चाहिए, यही तो परेशान कर रही थी। अब दोनों को जोड़ दो, 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200 मीटर आंसर। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, मैथ का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, अगला सवाल उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, खुद से बनाने का प्रयास करें, नहीं होता है फिर वीडियो देखें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम पूर्व की ओर 10 मीटर जाता है, 10 मीटर जा रहा है, यहां से मैंने मान लिया ये पॉइंट, यहां से राम जो है इधर को 10 मीटर जा रहा है, पूर्व दिशा हमारी यही तो होती है। ठीक है, ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद बाएं मुड़ता है, बायां घड़ी की विपरीत दिशा, वामावर्त, घड़ी विपरीत ऐसे चलती है, कितना जा रहा है, यहां भी 10 मीटर जा रहा है, कितना जा रहा है जी, 10 मीटर। ठीक है, पहले वो गया किधर, पूर्व की ओर, और फिर जा रहा है वो बाएं मुड़ के 10 मीटर। ठीक, आगे क्या कहा उसने कि 10 मीटर चलकर एक खंभे के आधार पर पहुंच जाता है, यानी कि यहां पे एक खंभा खड़ा हुआ है, वो एक धरती पे जा रहा था इस तरीके से, यहाँ एक पोल खड़ा हुआ है। ठीक, पूछा क्या है उसने, उस पोल के शीर्ष पे एक लाल बत्ती लगी हुई है, तो लाल बत्ती और उसके प्रारंभिक स्थान उसका ये है, उसके बीच की दूरी पूछी गई है। अब इस सवाल को बच्चे अधिकतर ऐसे करते हैं कि खंभा ऐसे इस तरीके से मान लिया ये, और खंभे की ऊंचाई, इसने इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ रह गई है कि लाल बत्ती लगी हुई है और खंभे की ऊंचाई 5 मीटर है, लिख लेंगे इसमें, खंबे की ऊंचाई 5 मीटर है दी हुई है, सवाल में रह गई थी लिखने से। ठीक है, अब यहाँ पे खंबे को इस तरीके से मान लेते हैं तो, जो कि गलत है, क्यों, क्योंकि खंबा जो है वो धरती से 90 डिग्री का कोण बना के तो खड़ा हुआ होगा, और द्वादर ही तो होगा, क्षैतिज थोड़ी होगा, ये खंबा हमने जो माना है ये क्या मान लिया, अब तो खंबा लिटा हुआ मान लिया हमने, जबकि वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, 3D फिगर बन के आएगी, कैसी फिगर बन के आएगी, 3D फिगर बन के आएगी। अगर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, जैसे कि ये है राम जो है वो जा रहा है इधर पूर्व की ओर 10 मीटर, फिर 10 मीटर बाएं मुड़ के यहाँ पहुँचा, और यहाँ पे एक पोल खड़ा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से ये पोल खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके शीर्ष पे लाइट है, तो ये वाली दूरी हमें बतानी है, कैसे निकलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, कैसे, देखो सबसे पहले तो हमने मान लिया कि यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं इस दूरी को निकाल रहा हूँ, मैं जो है इस दूरी को निकाल रहा हूँ, ये दूरी कैसे निकलेगी, समकोण त्रिभुज है, ये 10 है, ये 10 है, ये कितनी आ जाएगी, 10√2, कल बताया था जब दूरियाँ बराबर हो तो कुछ नहीं करना होता, केवल आपको √2 से मल्टीप्लाई कर देनी होती है जो आपको दूरी दी गई होती है। अब यहाँ पे एक पोल खड़ा हुआ है, तो पोल जो है वो धरती से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का ही तो कोण बनाएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 5 मीटर, यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, रेड लाइट। अब इस रेड लाइट और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये वाली दूरी पूछ रहा है कैसे निकलेगी, तो देखो इस खंभे के लिए अब ये जो दूरी हमने निकाली, यानी कि इन दोनों का जो कर्ण निकाला, अब इस त्रिभुज के लिए, दो त्रिभुज आपके हो गए ए बी और सी, और एक हो गया आपका ए सी और डी, तो ए बी सी में जो हमने कर्ण निकाला था ए सी, अब ये ए सी जो है त्रिभुज ए डी सी के लिए आधार का काम करेगा, लंब हमें ये दिया हुआ है और कर्ण हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आधार का वर्ग 10√2 का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही हमारी क्या हो जाएगी, सी डी स्क्वायर, यानी कि जो हमें चाहिए सी डी स्क्वायर, यानी ये कर्ण जो चाहिए, तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा, √, इधर √ चढ़ जाएगा, 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया आपका 200, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो सी डी बराबर कितना आ गया 225, और 225 का √ क्या होता है जी, बोलो 15 मीटर, तो रेड लाइट से उस प्रारंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या हो गई, 15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल थे आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। अब इसके आगे हम देखते हैं परछाई वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर।
इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, पहले खुद से करने का प्रयास करो, अगर आपको आते हैं तो, नहीं आते कोई समस्या नहीं है, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें परछाई वाले क्वेश्चन आ चुके हैं और जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, अब नहीं रहेगी प्रॉब्लम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कभी कभी वो स्टार्टिंग वाली दिशा नहीं देता, लास्ट वाली दे देता है, तो फिर उन सवालों को कैसे करते हैं। जैसे कि देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, राधा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर दिशा में होता। दिशा तो दे दी, लेकिन ये कौन सी दिशा दी? बाद वाली दी, जब वो पहुंच गई, स्टार्टिंग वाली तो नहीं दी, स्टार्टिंग वाली नहीं दी है। इसमें देखो, घर से चलने के बाद वह एक बार दाएं मुड़ी, पुनः दाएं मुड़ी, तथा स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ती है। तो बताओ, जब बस राधा के घर पर खड़ी थी तो उसका चेहरा किस दिशा की ओर था? उसका किसका? बस का। ठीक है, कैसे? देखो, ये घर हो गया राधा का, और यहाँ पे इधर को मान लिया मैंने, इस तरफ को बस का फेस है, ये खड़ी हुई है बस इधर की तरफ को। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि इधर को ही क्यों माना, आप इधर भी मान सकते हैं, उससे भी करके बता दूंगा, पहले इधर से देख लो, आंसर हर कंडीशन में सेम आएगा। तो हमें जो दिशा दी हुई बाद वाली दी, स्टार्टिंग की तो नहीं दी, तो हम किधर को भी, जिधर आपकी मर्जी करे बस को, आप उधर चला सकते हैं, इधर इधर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जहां आपका मन करे। ठीक है, बस चल दी, इधर को चल दी, चलने के बाद उसने फिर क्या कहा है कि घर से चलने के बाद वह एक बार दाईं ओर, तो चलने के बाद वो भैया एक बार किधर मुड़ रही है? दाएं मुड़ रही है। दाया मतलब घड़ी की दिशा, दाया मतलब घड़ी की दिशा, दक्षिणावर्त। फिर पुनः पुनः दाएं मुड़ी, यहाँ दाएं मुड़ने, चलने के बाद दाएं मुड़ी, पुनः दाएं मुड़ी, दाया फिर घड़ी की दिशा, ये हो गया, क्लियर है जी। फिर स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ रही है, अब स्कूल पहुंचने से पहले, अब ये दायां हो गया, ये दायां, अब बायां, बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो इधर को आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे स्कूल पहुंच गई वो, ये है राधा का स्कूल, ये था उसका घर, होम था उसका, ये उसका स्कूल था। स्कूल जब घर पे खड़ी थी, सीधी चली, एक बार दाएं यानी कि राइट टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया, स्कूल पहुंचने से पहले एक लेफ्ट टर्न ले रही है और स्कूल पहुंच जा रही है। ठीक है जी, तो उसने पूछा है कि जब यहाँ पे बस ये खड़ी थी तो इसका चेहरा ये वाली दिशा, पूछ रहा है कि ये दिशा कौन सी थी। अब ये दिशा कैसे निकलेगी? तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे आ जाओ, इन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जब स्कूल पहुंचती है तो वे बस का जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि अब बस का फेस इधर की तरफ ही तो है। ये दिशा आपको कौन सी दे दी? ये दिशा आपको दे दी है उत्तर। जब ये दिशा उत्तर हो गई तो इसके सामने की दिशा ये कौन सी हो जाएगी आपकी? दक्षिण। मैंने कल एक क्रम बताया था कि उत्तर दक्षिण तो हम एकदम रख लेंगे, जब ये उत्तर है तो इसके सामने की दक्षिण होगी, पूर्व और पश्चिम में कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। कल एक मैंने क्रम आपको बताया था कल वाली वीडियो में, NESW, इस क्रम को रखते हुए चले जाएंगे किधर? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। तो एन के क्लॉक में ई आता है, तो एन का क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा इधर होती, तो ये क्या हो गई आपकी? ईस्ट। और ये क्या हो गई आपकी? वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो बस का जो चेहरा था वो किधर था? पश्चिम दिशा की ओर था। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप कह रहे होंगे कि बस को अगर इधर को हम चलाते, उसको भी देखो, तब भी आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा। देखते हैं जी कैसे। जब मान लिया ये घर है राधा का, यहाँ पे इधर को जो है बस खड़ी हुई है, ये इस तरीके से बस खड़ी हुई है, बस चली, चलने के बाद जो है एक बार क्या हुआ, वह दाएं, फिर पुनः दाएं, और स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बायां, ये हो गया स्कूल, ये क्या हो गया? स्कूल हो गया, और ये इसका घर है राधा का। बस ऐसे खड़ी थी, इधर को चली, दायां मुड़ी, दायां घड़ी की दिशा, ठीक है, फिर एक बार दायां मुड़ी, और फिर स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ गई, बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये स्कूल आ गया। जब स्कूल पहुंच रही, स्टार्टिंग में आ जाओ, उसका फेस किधर था? उत्तर, यानी कि ये दिशा आपकी क्या है? उत्तर, ये स्कूल है, ठीक है, ये उत्तर है, तो ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। ये क्या हो जाएगी आपकी? पूर्व। और ये क्या हो जाएगी? पश्चिम। तो बस जब उसके घर पर खड़ी थी तो उसका चेहरा किधर था? पश्चिम। बस को अगर ऐसे चलाओगे तब भी पश्चिम आएगा, बस को अगर ऊपर की तरफ चलाओगे तब भी पश्चिम आएगा।
क्योंकि हमें ये डायरेक्शन ऑलरेडी दे दी ना, फिक्स्ड है ये तो। समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो जी अब बढ़ते हैं परछाई वाले क्वेश्चंस की ओर। परछाई वाले क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को कि परछाई वाले क्वेश्चंस जो हैं दिक्कत करते हैं, नहीं समझ में आ पाते। तो देखो उसका भी तरीका है क्या, सीधे सा दो क्वेश्चन हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते थे, परछाई वाले ये क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते थे। अब एग्जाम को चेंज करने के लिए, क्वेश्चन को चेंज करने के लिए कि इन क्वेश्चनों में क्या चेंज किया जाए, तो वो चेंज वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है क्या ये। और ये चेंज वाला क्वेश्चन ये यूपीपी में पूछा गया था, जिन्होंने यूपीपी का एग्जाम कांस्टेबल का दिया होगा उन्हें पता होगा, ठीक है। एक दिन रमेश सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर फेस करके खड़ा हुआ था। ये मैंने मान लिया पोल, ये हो गया खंबा, और ये हो गया क्या, रमेश, ठीक है। ये पोल हो गया और ये हो गया रमेश। रमेश का चेहरा हमें नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि हमें पोल दिखाई दे रहा है और हम रमेश की तरह ही पोजीशन में, यानी कि ये क्या है पोल और ये क्या है रमेश। तो रमेश उस पोजीशन में होगा जिस पोजीशन में आप हैं, ठीक है। अगर हम खंबे को इधर मानते, रमेश को उधर मानते, तो रमेश का चेहरा हमें दिखाई देता, क्लियर है। आंसर उससे भी वही आएगा, चेंज नहीं होगा कि आप ये कहो कि पोल को इधर क्यों नहीं रखा, इधर क्यों नहीं रखा, इधर, दोनों स्थिति में आंसर सेम आएगा। कैसे वो भी मैं बताऊंगा। पोल ये हो गया, ये हो गया रमेश, तो जिस पोजीशन में आप हो उस पोजीशन में ही रमेश है। तो आपका बायां हाथ किधर है, इधर, तो ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये क्या हो गया आपका, राइट हैंड हो गया, क्लियर है जी। ये राइट, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये राइट, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट भी इधर है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। फिर उसने क्या देखा, समय कौन सा था, सूर्योदय का, सुबह का समय था। एक पोल की ओर फेस करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर, किसके ठीक बाईं ओर, रमेश के ठीक बाईं ओर उसकी छाया पड़ रही थी। रमेश के ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल को इसलिए गलत करके आते हैं कि इस पोल की छाया इसके बाएं में यहां बना देते हैं कि इसके ठीक बाईं ओर, फिर जब यहाँ बना दी तो शायद सूरज यहाँ ले लेते हैं, तो उसमें आंसर गलत हो जाता है। पोल की जिसकी छाया होगी ना उसी के बराबर में बनेगी। पोल की छाया है तो या तो इधर बनेगी या इधर बनेगी, ये नहीं कि इसके बराबर में बना दो तुम। जिसकी भी छाया होगी, अगर यहाँ पोल ना होकर के कोई दूसरा व्यक्ति होता तो छाया उसकी या तो इधर बनती या इधर, जिसकी भी छाया को कहेगा उसके ही बराबर में बनानी है। अब किधर बनानी है इसका फैसला सवाल करेगा, उसने कह दिया है बाईं ओर। तो देखो इधर का ये पूरा जो पोर्शन है, इधर का ये पूरा पोर्शन इसका रमेश का बायां ही तो है, तो पोल की छाया इधर ना बन के पोल के बराबर में ही बनेगी। इधर बनाए कि इधर, बायां तरफ किधर आ रहा है, रमेश का बायां इधर आ रहा है, तो यानी कि पोल की जो छाया है, जो शेडो है, वो इधर बन रही है। पोल की जो शेडो है, छाया इधर बन रही है। अब छाया इधर कब बनेगी, जब लाइट का सोर्स यानी कि सूर्य इधर होगा, सूर्य की किरणें इस पे जब पोल पे इधर से पड़ेंगी तभी तो इसकी शेडो इधर, छाया इधर बनेगी, बनेगी कि नहीं। हमने 7वीं 8वीं क्लास में साइंस पढ़ाई शेडो कैसे बनती है, कि लाइट का सोर्स जब इधर इस पे पड़ेगा तो छाया इधर बनेगी, ठीक है। अब उसने वक्त कौन सा दिया है, सूर्योदय का, सूरज इधर है इस समय पे, वक्त दिया हुआ उसने सुबह का, तो सुबह जो सूरज होता है वो किस दिशा में होता है, बोलो, पूर्व में होता है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी क्या हो गई, पूर्व हो गई। जब ये पूर्व हो गई तो इसके सामने की क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। फिर नॉर्थ और साउथ में फिर से कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, क्रम, NESW, घड़ी की दिशा। तो ई के बाद क्लॉकवाइज में क्या आता है, एस आता है, तो ये आपकी एस हो गई और ये आपकी एन हो गई। तो उसने पूछा क्या था, बताइए वह किस ओर मुख करके खड़ा था, ये है रमेश, तो रमेश किस ओर फेस करके खड़ा था, ये वाली दिशा क्या है, नॉर्थ, तो आंसर क्या हो गया आपका, उत्तर। समझ में आया। जब भी इस तरीके के सवाल होंगे जिसमें छाया दाएं या बाएं पड़ रही होगी तो उसका आंसर हमेशा या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा, पूर्व या पश्चिम कभी नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। अगर इस ऑप्शन में आपका दक्षिण की जगह एक ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट दे देता तो फिर इस सवाल को करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा आंसर उत्तर आ जाता। लेकिन उत्तर और दक्षिण दोनों ही हैं और यही दोनों आंसर हो सकते हैं, तो इस सवाल को करके देखना पड़ेगा। समझाने में समय लगा है, करने में नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब देखो अगर इसको, पोल को मैं इधर रख के देखूं, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बस आपको लगे रहना है, वीडियो को देखते रहना है,
ये मैंने मान लिया ये है आपका पोल, ये हो गया रमेश। अब रमेश का चेहरा हमें दिखाई देगा, तो जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारी तरफ देख रहा है। पोल की छाया इसके लेफ्ट में पड़ रही है, बाईं ओर तो पोल की छाया इधर बन रही है। पोल की छाया इधर बन रही तो इसका मतलब सूर्य इधर होगा, सूर्य इधर होगा, किरणें इधर पड़ी, छाया इधर बनेगी। वक्त कौन सा दिया हुआ होता, सूर्योदय का, तो ये दिशा कौन सी हो गई, ईस्ट, तो ये ईस्ट हो गई, तो ये वेस्ट हो जाएगी, ये आपकी एस हो गई, ये नॉर्थ हो गई। तो इसका चेहरा बताना है, तो ये किधर की तरफ देख रहा है, उत्तर की ओर। आंसर उत्तर ही आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे ऐसे रख लो तब भी आंसर वही आएगा, क्लियर है जी। ठीक, इस तरह के सवालों में हमेशा जो समय दिया होगा ना, वो या तो सूर्योदय का होगा या सूर्यास्त का होगा, कभी भी दोपहर का इस तरीके का समय नहीं देगा, क्लियर है जी। अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी एक बार जो है वीडियो को देख के और अपनी दावेदारी को प्रबल करें एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अगला जो सवाल है जो यूपीपी में पूछा गया था, देखो इसने कहा है, दिखाई दे रहा है सभी को, सूर्यास्त के समय सोहन और मोहन आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तो इस बार जो है सोहन और मोहन दो व्यक्ति हैं, ये हो गया जी आपका सोहन और ये हो गया आपका मोहन, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, सोहन और मोहन। इसका चेहरा तो हमें दिखाई देगा, इसका नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि जिस पोजीशन में हम हैं उसी पोजीशन में ये है, ये हमारी विपरीत दिशा में है, विपरीत स्थिति में है, तो इसका चेहरा हमें दिखाई देगा, क्लियर। तो जो इसका लेफ्ट राइट का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जब बातचीत कर रहे थे तो यदि सोहन की परछाई उन दोनों के ठीक बीच में आ रही हो, अब इस बार परछाई दाएं बाएं ना होकर के बीच में, किसकी परछाई की बात कर रहा है वो, सोहन की परछाई, सोहन कौन है, ये, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि जी सोहन की जो शेडो है इस तरीके से, ये शेडो हो गई किसकी, ये सोहन की परछाई। अब ये परछाई बीच में कब आएगी, खुद सोचो, जब लाइट का सोर्स इसके पीछे होगा तभी तो परछाई इधर को बीच में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है जी। अब उसने वक्त कौन सा दिया, सूर्यास्त, अब सूर्य जब यहाँ है और सूर्यास्त का समय है, तो सूर्य अस्त कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम में, तो ये दिशा कौन सी हो गई आपकी, पश्चिम। जब ये पश्चिम हो गई तो इसके सामने की दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व। जब ये पूर्व हो गई तो आपकी ये क्या हो गई, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में दिशाएं रखो, कभी आपका गलत नहीं होगा। अब पूछा क्या है कि मोहन का चेहरा किस दिशा की ओर है, बता दोगे आसानी से, मोहन का चेहरा किस दिशा की ओर है, पश्चिम। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब परछाई बीच में पड़ रही हो तो एक चीज ध्यान रखेंगे, आंसर पूर्व या पश्चिम ही आएगा, क्लियर है, और जब दाएं बाएं पड़ रही है तो आंसर उत्तर या दक्षिण आएगा, ठीक है। एक टाइप के सवाल और बचे हैं, उसको और देख लेते हैं, वो भी अच्छे सवाल हैं, कोडेड, जैसे हमने ब्लड रिलेशन में पढ़ा कोडेड रिलेशनशिप, ऐसे ही आपके इसमें भी आते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, इस टाइप के सवाल जो चैनल पर लगातार बने हुए हैं उन्होंने ब्लड रिलेशन में भी देखे होंगे, ठीक है, और इस टाइप के सवाल आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी पूछ लेता है। जो ब्लड रिलेशन की तीसरी वीडियो थी ना कोडेड रिलेशनशिप, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इन सवालों को, ये कंडीशन आपकी लिखी हुई एग्जाम में होंगी, इनको याद नहीं करना है, ठीक है। कंडीशन क्या दी हुई है एक बार पढ़ लेते हैं, पी अल्फा क्यू का अर्थ है क्यू पी के दाईं ओर एक मीटर है, यानी कि जहां पे भी अल्फा लगा होगा उसमें क्यू जो है इस पी के बाद वाला पहले वाले के दाईं ओर एक मीटर की दूरी पर है। पी बीटा क्यू, क्यू पी के उत्तर में एक मीटर हो गया। पी गामा क्यू, क्यू पी के बाईं ओर एक मीटर हो गया। पी ईटा क्यू, क्यू पी के दक्षिण में एक मीटर हो गया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला जो दिया हुआ है, इस सवाल को, इस तरीके के सवाल पहले बैंकिंग में आते थे, लेकिन अब बैंकिंग की रीजनिंग को जब से आपको भी पता है स्टेट के एग्जाम में पूछने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और अगर आपके सामने पेपर में स्टेट के एग्जामों में आ जाएं तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि रीजनिंग का लेवल अप कर दिया है अब हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट को, जो इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेगा सारे सवाल सही कर लेगा, और जो इस पॉइंट को ध्यान से नहीं पढ़ेगा सवाल के आंसर गलत हो जाएंगे। इसने सीधे सीधे कहा गया, नीचे जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो दक्षिण दिशा की ओर, उसने कह दिया कि सबका फेस दक्षिण दिशा में मानना है, क्लियर है जी, इस बात को नहीं भूलेंगे,
तभी हम सवाल अच्छे से करेंगे। क्लियर? चलो पहले सवाल पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप का पहला सवाल, यदि ए ईटा बी गामा एल बीटा के, तब ए के संदर्भ में के किस दिशा में, ये अगर इक्वेशन दी हुई है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये बताना है कि ए के संदर्भ में के जो है वो किस दिशा में आएगा। क्लियर है? सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो हमने ब्लड रिलेशन में सीखा था। देखो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पी क्यू, उससे मतलब नहीं होता, मतलब जो होता है वो होता है चिन्हों से। कभी आप कहो यहाँ तो पी क्यू किसी में है ही नहीं, मतलब जो होता है वो जो बीच में साइन लगे हुए हैं इनसे होता है। क्लियर है जी? ए ईटा बी, ईटा का मतलब क्या दिया हुआ है, क्यू पी के दक्षिण में 1 मीटर, तो यानी कि बाद वाला इस पहले वाले के दक्षिण में है, तो ये बाद वाला कौन है, बी, तो ये बी ए के दक्षिण में, तो सबसे पहले ए को रखो। अब ए का दक्षिण ये हो गया बी, 1 मीटर की दूरी हो गई। समझ में आ गया यहां तक? चलो जी, बी गामा एल, गामा का मतलब क्यू पी के बाईं ओर 1 मीटर है, तो यानी कि ये एल जो है बी के बाईं ओर है, तो एल बी के बाईं ओर 1 मीटर, तो ये बी के बाईं ओर एल जो है वो 1 मीटर हो गया। ठीक है? अब ये जैसे ही मैंने एल रखा, कुछ लोगों के मन में ये आ गया होगा सर ने गलत रख दिया, बायां तो इधर होगा, तो ये पॉइंट को नहीं भूलना है। ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, सभी का फेस दक्षिण है, तो जब ये बी इधर दक्षिण की ओर देख रहा होगा तो बायां इधर ही तो होगा। सही रखा है मैंने, इस पॉइंट को जो भूल के सवाल करेगा उसका ही गलत होगा। ठीक है? उसके बाद एल बीटा के, बीटा का मतलब दिया हुआ है क्यू पी के उत्तर में 1 मीटर है, यानी कि के एल के उत्तर में 1 मीटर है, तो एल के उत्तर में 1 मीटर की दूरी पर ये कौन हो गया, के हो गया। दूरी बराबर है तो ये इसी की सीध में आएगा। आएगा जी? पूछा क्या था कि ए के संदर्भ में के किस दिशा में है, तो ए के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में बताना होता है उस पर दिशाओं का ग्राफ बना दो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये के ए से किस दिशा की ओर आ रहा है, पूर्व की ओर आ रहा है, ईस्ट की ओर आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और ऐसे सवाल आपने डिस्टेंस डायरेक्शन में शायद देखे हों, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखे होंगे, शायद देखे हों। अगला सवाल देखते हैं, यदि ए, ये क्लियर हुआ अच्छे से, अगले सवाल को देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कंडीशन यही रहेंगी, चेंज कुछ नहीं होना है। ए अल्फा बी, अल्फा का मतलब क्या दिया हुआ है, क्यू पी के दाईं ओर 1 मीटर है। इस सवाल को मैं आपको घर से भी दे सकता था, लेकिन इसमें एक चीज है, एक लॉजिक है, उसको समझना है। ए अल्फा बी, अल्फा का मतलब क्या दिया हुआ है, क्यू पी के दाईं ओर 1 मीटर, यानी कि बी ए के दाईं ओर 1 मीटर है, ये हो गया आपका ए, और ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर कौन, ए के दाईं ओर 1 मीटर की दूरी पर है बी। ठीक है जी? क्लियर हुआ इस पॉइंट से? ठीक है, फिर से मन में लोगों के डाउट आ गया कि ए का दायां तो इधर होगा, इस पॉइंट को नहीं भूलना, जब ए दक्षिण की ओर देखेगा तो दायां इधर होगा। क्लियर है जी? ठीक। उसके बाद बी गामा सी, गामा का मतलब क्या है, क्यू बी के बाईं ओर 1 मीटर है, तो यानी कि सी जो है वो बी के बाईं ओर, तो बी का बायां किधर होगा, 1 मीटर, तो यानी कि सी और ए एक ही जगह पर है, ये सी है और ये आपका ए है। ठीक है? ये इसमें बस थोड़ी सा लॉजिक था, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया था, सी और ए एक ही जगह पर है। क्लियर हो गया जी? उसके बाद सी बीटा डी, बीटा का मतलब क्या है, क्यू बी के उत्तर में है, यानी कि डी सी के उत्तर में है, तो डी जो है वो सी के उत्तर में हो गया। इतना क्लियर हो गया? पूछा क्या है, डी ए के संदर्भ में, तो ए पे ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए पे जब तुम दिशाओं वाला ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो ए से किस दिशा में आ रहा है, डी उत्तर में आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया आपका, उत्तर जो है वो उत्तर ही हो गया, इस सवाल का उत्तर उत्तर ही है। क्लियर हो गया? अब ये वाला सवाल आप घर से ट्राई करेंगे, ठीक है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर बी आएगा, ट्राई करके देखना, अगर बी आया तो मेरा पढ़ाना सफल है। ठीक है जी? ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।